हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 30 अप्रैल 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन हुईज डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डांस डे। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है अप्रैल 24, अप्रैल 26, अप्रैल 27, अप्रैल 29। और इसका आंसर होगा अप्रैल 29। ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। द डे इज ऑब्जर्व टू अप्रिसिएट द आर्ट फॉर्म, इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड एडुकेशन इन डांस। और आर्ट फॉर्म को बढ़ावा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये प्रोत्साहित करती है नृत्य में भागीदारी और शिक्षा लेने में। द डे प्रोमोट्स ऑल डांस फॉर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये नृत्य दिवस पूरे विश्व भर में सभी नृत्य रूपों को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल डांस डे वॉज फाउंडेड बाय द डांस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इन 1982। ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस फाउंडेड हुआ था द डांस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो 1982 में हुआ था। द डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अप्रैल, कॉमेमोरेटिंग द बर्थडे ऑफ जीन जॉर्जेस नोबिली, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बैलेट। और ये दिन मनाया जाता है जीन जॉर्ज नोबिली के बर्थडे के एनिवर्सरी के रूप में, जो 29 अप्रैल को पड़ता है और वो एक फेमस मॉडर्न बैलेटर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में किस राज्य में कोविड फार्मा करके एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड गुजरात। और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑन 25 अप्रैल 2020 द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड कोविड फार्मा ए मोबाइल एप्लीकेशन। द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 25 अप्रैल 2020 को ये कोविड फार्मा करके मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बाई दिस ऐप डिपार्टमेंट कीप ए ट्रैक ऑफ पीपल बाइंग मेडिसिन ओवर द काउंटर फॉर कॉफ कोल्ड फीवर फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स अक्रॉस द स्टेट। और इस ऐप के द्वारा डिपार्टमेंटल मेडिकल स्टोर से खांसी, जुकाम और बुखार के लिए काउंटर पर दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखा जा सकता है पूरे राज्य भर में। टू मॉनिटर पेशेंट्स हु एक्सपीरियंस एनी इंक्रीज इन कोल्ड एंड फीवर, व्हिच हेल्प्स टू ट्रेस इजिली द पर्सन्स विद एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस एंड वर्क्स एज एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजर फॉर रेगुलर सैंपल टेस्टिंग सिमल्टेनियसली। और इस ऐप के द्वारा अगर किसी भी रोगी को ज़्यादा जुकाम या बुखार होता है तो तुरंत ट्रेस किया जाएगा और कोई भी कोरोना वायरस के सिम्टम आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और रेगुलर बेसिस पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए स्कीम अंबरे आंगनवाड़ी फॉर चिल्ड्रंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम दिया गया है अंबरे आंगनवाड़ी वो शिशुओं के लिए। इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल। और इसका आंसर है गुजरात। ऑन अप्रैल 27, 2020 द वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड अंबरे आंगनवाड़ी, मीन्स डोरस्टेप आंगनवाड़ी। वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गुजरात राज्य सरकार में है वो अंबरे आंगनवाड़ी का उन्मोचन किया अप्रैल 27, 2020 को। और ये अंबरे आंगनवाड़ी का मतलब है घर घर जाके सेवा देना। वर्क्स अंडर ICDS प्रोग्राम टू रीच आउट टू चिल्ड्रेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। और ये ICDS के प्रोग्राम के अंडर काम करता है और ये सभी शिशुओं को खाना पहुँचाएंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। अंडर दिस फैसिलिटी द ICDS डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट विल मेनली ऑफर रेडी टू ईट न्यूट्रिशन फूड पैकेट्स थ्रू अमूल टू इट्स बेनिफिशरी इंक्लूडिंग 14 लाख चिल्ड्रेन बिटवीन 3 to 6 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वोमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ अराउंड 53,000 आंगनवाड़ी। और इस सुविधा के तहत राज्यों के सभी ICDS विभाग मुख्य रूप से तैयार की गई पौष्टिक भोजन के पैकेट खाने के लिए पेश करेंगी अमूल अपने
लाभार्थी को 3 to 6 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे का आयु के जो जो बच्चे उस 14 लाख बच्चे गर्भवती और लगभग 53,000 आंगनवाड़ी के नेटवर्क में इस माध्यम से महिलाओं और किशोरों के द्वारा ये दिया जाएगी। आज का चौथा क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप कॉल्ड कोविड सेफ। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया कोविड सेफ, और ये इसका ऑप्शन है यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप नेम्ड कोविड सेफ, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया कोविड सेफ। बाय दिस ऐप ट्रेसेस एवरी पर्सन रनिंग द ऐप हु हैज बीन इन कॉन्टेक्ट विद समवन एल्स यूजिंग द ऐप टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, और इस ऐप के द्वारा हर उस व्यक्ति को पता लगा जा सकता है जो ये ऐप चला रहा है, और किसी और के साथ संपर्क में आ गए तो ही ये अपने आप डिटेक्ट कर लेंगी और उसको सूचित कर देंगी। यूजिंग ब्लूटूथ द ऐप रिकॉर्ड्स एनीवन यू गेट क्लोज टू हु द हैज द ऐप, और इस ऐप ब्लूटूथ से चलते हैं और इस ऐप के आसपास जितने भी लोग आते हैं अगर वो लोग भी इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रख लेंगी, और द टू ऐप्स एक्सचेंज एनोनिमस आईडीज, और ये दो ऐप को डेटा एक्सचेंज करेंगे व्हिच साइकल्स एवरी 2 आवर्स एंड आर रिस्टोर इनक्रिप्टेड ऑन फोन्स एंड डिलीटेड आफ्टर 20 ईयर्स, और ये फोन का जो ऐप है वो हर 2 सेकंड में रिफ्रेश होता है और जो भी डाटा है वो फोन में स्टोर होता है और इस डाटा 21 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाए। आज का पांचवा क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री कैंसल्ड द पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज ड्यू टू द कोरोना वायरस। हाल ही में किस कंट्री ने पिच ब्लैक 2020 करके एक अभ्यास को कैंसिल किया है कोरोना वायरस के कारण, और इसका ऑप्शन है जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, और इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक 2020 ए प्रीमियर मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन कैंसल्ड बाय ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू करंट पैंडेमिक और कोविड 19। और पिच ब्लैक 2020 एक प्रीमियर अंतर्राष्ट्रीय एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग था जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में के साथ होना था, और इस अभ्यास को कोरोना वायरस के चलते कैंसिल करना पड़ा। चीफ ऑफ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स मैग हाफफील्ड इन्फॉर्म्ड एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ऑफ इंडियन एयरफोर्स अबाउट द कैंसिलेशन थ्रू ए लेटर, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो मुख्य है मैग हाफफील्ड वो इंडियन एयर चैम्बर मार्शल जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है उसको एक लेटर के द्वारा ये कैंसिलेशन से सूचित किया है। अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा और इसका प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट जॉन मॉरिसन और इसका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज का छठा क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरापी फॉर कोविड 19। हाल ही में इंडिया में ऐसा कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड 19 के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसका ऑप्शन है एम्स दिल्ली, एम्स पटना, केजीएमयू और नान ऑफ दी ऊपर में से कोई भी नहीं, और इसका आंसर होगा केजीएमयू। इसका फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। यही एक फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया में जो सक्सेसफुली कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट को इस्तेमाल किया है कोविड 19 के पेशेंट के लिए। द फर्स्ट डोज ऑफ सीपीटी वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए 58 ईयर्स ओल्ड पेशेंट, और ये प्लाज्मा थेरेपी को पहली बार इस्तेमाल किया गया एक 58 ईयर्स को का वृद्ध पेशेंट में। द इंटेंशन ऑफ दिस थेरेपी इज टू ट्रांसफॉर्म द इम्यूनिटी फ्रॉम ए हेल्थी पर्सन टू ए सिक पेशेंट यूजिंग दिस थेरेपी, और इस थेरेपी के जरिए एक हेल्थी पर्सन जो पहले कोरोना वायरस से ठीक हो गया उससे प्लाज्मा लेके और एक पीड़ित व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाएगा, इससे उसका इम्यूनिटी बढ़ेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। हाल ही में किसको
पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया है, और इसका ऑप्शन है संजय कुमार, राजीव कुमार, विपुल मेहता और अरुणिमा रॉय। और इसका आंसर होगा राजीव कुमार। ये राजीव कुमार को जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी था उसको 29 अप्रैल को चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड में नियुक्त किया गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव कुमार इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और राजीव कुमार का जो अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव किया अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड है। अबाउट राजीव कुमार, राजीव कुमार एक 1984 का IAS ऑफिसर है जो झारखंड कटरा में पढ़ता था, और ही रिटायर्ड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी इन फरवरी 2020। वो एक फाइनेंस सेक्रेटरी भी था जो फरवरी 2020 में रिटायर हो गया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द इंड। थैंक यू।